Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel. My name is Hiba and this is Saba and we are back with another review video. और आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं, उसका नाम है हम तुम, और हम तुम के दो टीजर्स पे रिएक्ट करने वाले हैं. और इसमें ये दोनों पेयर है, ठीक है. पहले टीजर तो मैं देख चुकी हूँ, दूसरा मैंने नहीं देखा है. पहले टीजर तो मुझे देख के समझ में आ गया है, तो चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. अहद वफा के बाद अहद का क्रेज मुझे बड़ा चढ़ा आ रहा है. प्रोफेसर की औलाद और एक नंबर की जाहिल और खुद सर, इनकी कौन सुनता है, चिल कर. बेटियों की लाइन आपकी वजह से नहीं लगी है, अभी एक्स वाई की डिटेल बता दूंगा फिर. इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, मैं तो इम्प्रेस हो गई. अरे अब जाकर तो तीर लगा निशाने पे. तो पहला टीजर हमने देखा और स्टार्टिंग ये बहुत ही कमाल थी. हाँ, बहुत ही फनी थी. मतलब वो लड़की कर रही है कि हम करते रहोगे ड्राइविंग का शॉट. तो इसमें जो पहला टीजर देखे तो हमें ये पता चल गया कि अहद और रमशा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही फनी है. हाँ. और एक दूसरे को ना काफी लड़ाई झगड़े दिखाने वाले हैं उसमें, कि दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले हैं. ये कॉमेडी सीरियल होने वाला है, मजा आएगा इसे देखने में. तो चले हम अपनी टीजर टू स्टार्ट करते हैं. टीजर टू स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कौन है. लाइन में क्रश कर देती हूं. आप जिसका क्रश है ये काम उसी को करने दीजिए. चिकन चीज बॉल्स है, मैंने अभी बनाया, आपको कहें तो भिजवाओ. चल क्या रहा है फिलहाल, तो सिर्फ वन वे ट्रैफिक चल रहा है. खाना तो आप अच्छा बनाते हैं लेकिन बातें भी अच्छी बना लेते हैं. और आप क्या करती हैं? बीफ और वेजिटेबल लज़ानिया बनाया, टोटली लो कैलोरी. मैं उस खाने की मशीन से तो शादी नहीं कर सकती. पता नहीं कौन लोग हैं जिनके दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है, मेरे तो रास्ते में हडल ही हडल है. हम तुम यार ये ना ये फनी सीन होने वाला है. हाँ, ये जो है ये फनी ही है. मतलब बहुत बहुत ही अच्छा था ये वाला टीजर भी. सारा का कैरेक्टर जो दिखाया है काफी वो भी बबली भी है. हाँ, जैसे वो हड़बड़ाहट की चाय पी जाती है. लड़की को खाना भी बनाना बहुत अच्छा आता है. जो कैरेक्टर है वो ऐसा है, वो शेफ है. हाँ, उसको खाना बनाना और खाना खिलाना दोनों पसंद है. और लड़की को शायद उसे शादी नहीं करनी, ये ऐसा था. वो शायद कोई और थी. अच्छा. हाँ हाँ, वो कोई और थी. बट जो जुनैद का जो कैरेक्टर है वो पूरा खाने से रिलेटेड है और वो शेफ है, तो उनको शायद लड़की नहीं मिल पा रही है इससे रिलेटेड. तभी तो उन्होंने कहा था पता नहीं किसके दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता. कहते नहीं लड़कों के दिल का रास्ता पेट से गुजरता है, तो वही चीज थी यहाँ पे भी. तो हमें तो दोनों टीजर्स बहुत ज़्यादा पसंद आए. बहुत इंटरेस्टिंग होगा सारा जुनैद और अहद रमशा को एक साथ देखना. और मुझे लगता है सारा और रमशा बहने इस सीरियल. हाँ, क्योंकि एक घर में दिखा रहे हैं. हाँ. और जुनैद और अहद भी एक ही घर में दिखाए गए. अच्छा. तो देखना बहुत ही मजेदार होने वाला है इस सीरियल में अब आगे क्या होगा. हाँ. तो चले आज की हमारी ये वीडियो बस इतनी सी ही है. अगर आप चाहते हैं कि हम आपके बताए हुए किसी वीडियो पे रिएक्शन दें तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं. आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. आप हम दोनों को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं. अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.